नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। हैम्बर्ग शहर के चर्च गोलीबारी में 7 लोगों की मौत, कई घायल। मुर्शिदाबाद में बम धमाके में 1 की मौत, 3 घायल। टायर की दुकान में लगी भीषण आग, 1 की मौत, 1 अन्य घायल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हैम्बर्ग शहर में चर्च में भीषण गोलीबारी, 7 लोगों की मौत, कई घायल। जी हां, जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के एक चर्च में हुई गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की कुछ हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में अल्स्टर डॉर्फ क्षेत्र के ग्रॉस बेस्टलेल जिले में डेलबोगे स्ट्रीट में स्थित यहोडा विटनेस चर्च में देर शाम अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। अचानक हुई गोलीबारी से वहां अफरातफरी मच गई। इस आपाधापी में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 गंभीर बताए जा रहे हैं। जी हां, घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। आसपास रहने वाले निवासियों को घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हमलावरों के फरार होने के अभी कोई संकेत नहीं है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हमलावर मृतकों में तो नहीं शामिल है। जी हां, बताया गया है कि हमलावर ने लगातार 12 राउंड फायर किया। जी हां, पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे के बाद पुलिस गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को कई लोगों के शव मिलने और कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस के पहुंचने तक ऊपर से गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब पुलिस अधिकारी ऊपर गए तो उन्हें एक और व्यक्ति मृत मिला। मुर्शिदाबाद में बम धमाके में 1 मौत, 3 घायल। जी हां, मुर्शिदाबाद जिले के मधुपुर मटपारा गांव में हुए बम धमाके में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। जी हां, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक का नाम मेजबूल शेख बताया गया है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात कुछ लोग मधुपुर में एक खेत में बैठकर बम बना रहे थे। इसी दौरान एक बम फट गया। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग लहूलुहान अवस्था में खेल में पड़े हुए थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मेजबूल शेख की मौत हो गई। अन्य 3 घायलों का अभी इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। टायर की दुकान में आग लगने से 1 व्यक्ति की मौत, 1 अन्य घायल। जी, महाराष्ट्र के थाने शहर के शील फाटा इलाके में टायर की एक दुकान में शुक्रवार सुबह भीषण आग लगने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य व्यक्ति घायल हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग बिजली के भूमिगत तारों से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुकान को आग चपेट में ले लिया। थाना नगर निगम TMC के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा कि हादसा सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ। उन्होंने बताया कि शिलफाटा इलाके में एक होटल के पास बिजली के भूमिगत तारों में आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटे पास में स्थित टायर की एक दुकान तक पहुंच गई और पूरी दुकान को आग चपेट में ले लिया। सावंत के मुताबिक हादसे में विशाल सिंह नामक एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई। विशाल हादसे के समय दुकान में सो रहा था। जी हां, वो समय पर बाहर नहीं निकल सका। उन्होंने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावंत के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।